বৰ্তমানৰ বৰ খবৰ ওড়া বিধানসভাৰে বিজেপি কুিপাৰে সতুৰি ৰ অধিক আসন বৰ্তমানৰ ইয়ে হ'ল বৰ খবৰ যে ওড়া বিধানসভাৰে বিজেপি কুিপাৰে সতুৰি অধিক আসন এতিয়াৰ ওড়া বিধানসভা কুই প্ৰথম একজিট পোল জন কী বাতৰ আকলন ওড়িশাৰে সতুৰি ৰ অধিক আসন पे बिजेपी हातको विजेडी शहे बारु अनस्तरी खाइपे इ हे वर्तमान र सबुठु बड खबर जति भोट हार देखि तेडडी कु चौरालिस प्रतिशत ए बीजेपी कु बत्तिस प्रतिशत रु बढिक बयालिस प्रतिशत भोट मियो यातीय संस्था जनकी कि बात र आकलन एवं আম সৈতে আজি এলু ইণ্টৰভ্যুৰে কথা হৈছিলে জন কী বাতৰ মুখ্য প্ৰদীপ ভাণ্ডাৰী সি বৰ কথা কৈছিল যে ওড়িশাৰে চৰকাৰ গঠন কৰি পাৰে বিজেপি এই সম্ভাৱনা কুবিল এড়াই দিয়া যথমে দেখি নি জনী বাতৰ কণ ক'ত এক পোল সংখ্যা সৈতে মই আপোনাক দেখাও দেখোন ই হ'ব চিট बीजेपी बजेपी होजेडी दयाकोरी से ग्राफिक्स को आपन को ग्राफिक्स देखा देखापी जे बीजेपी अठावन प्लस माइनस चौदह अर्थात ये माइनस चौदह हो प्लस चौदह हो पाए कि जनकी बात मुख्य रुख्य कथ सतुरी रु अधिक हो पारे अठावन प्लस चौदह बास्तुरी संख्या भी क्रस्प बजे एकाशी प्लस माइनस बार प्रदीप भंडारी कहवा कथा जे बीजे खसुची बीजेपी बढ़ुची अर्थात बजे संख्या অৰি খচি যায় পাৰে যোন দুই হাজাৰ চৌদৰে দুই হাজাৰ উনৈশেৰে শহে বাৰু দুই হাজাৰ চৌদৰে সেইটা শে সতৰ বি হ'ল সংখ্যা আপোনালোক দেখাওক যদি প্ৰত কথা কয় ত'লে বিজেপি চৌৰাল প্ৰিশত বিজেপি বাইছ প্ৰিশত কংগ্ৰেছ দশ প্ৰত ই জাতীয় সংস্থা কোন জাতীয় সংস্থাৰ ওড়শা বিধানসভা কুকি প্রথম এক পোল এবং আপনার লোকসভার দেখুথিলে বিভিন্ন জাতীয় সংস্থা যে আকলন করেছেন যে পাখা कोड़े पर्यंत बीजेपी पी जापे कारण को सुनामी जल जल कथा श्री प्रदीप भंडारी कहते आम सहित तो जनाशुना सैफोलोजिस्ट आप समस्ते जानी गत काली एनडी टी रे जन की बात रर्भे को लेकिन एक्जिट पोल को लेकिन आकलन करु श्री प्रदीप भंडारी कहाना कथा जे पांडियान बजे माइनस हो গোটে পটে মোদী লহর অনেক নবীন কল পাউিলে লোকে কিংবু নবীন লোকপ্রিয়তা ওড়িশে কমুছে এবং যেহেতু পান্ডিয়ানু উত্তরাধিকারী ভাবে প্রোজেক্ট করা যাচ্ছে সেইপা পান্ডিয়ান ভোট কমুছি এবং ওড়শার অস্মিতা ওড়শার অস্মিতা গ্রাউন্ডরে গোটে বড় ফ্যাক্টর হয়েছি গোটে বড় প্রসঙ্গ হয়েছি প্রথমে টিকিট শুণি प्रदीप भंडारी अस्मिता को नहीं की कौन को सुनी प्रदीप तो ये समझ में आने लग गया है की नवीन पटनायक जी जो है वो उड़ीसा के अंदर आने वाले बहुत समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर जो गोलपोस्ट इलेक्शंस का वो शिफ्ट हो चुका है राजस्व नवीन पटनायक वो पांडेन जी के ऊपर हो चुका है और पांडियन जी के खुद की वोट गेटिंग एबिलिटी नहीं है, है। जितनी भी वोट गेटिंग थी नवीन पटनायक जी की पटनायक नहीं है वो पांडियन जी है और ऐसी स्थिति के अंदर बीजेडी के अंदर भी बीजेडी के वोटर से भी आप बात करते हैं तो वो इस बार जितना उसका 2019 का एक्साइटमेंट लेवल था उतना नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ सेविंग कि अगर जो एस की जो महिलाएं हैं जिन दिन तक स्कीम बीजेडी की पहुंची है अगर वो पूरा एक तरफा वोट बीजेडी तक पड़ जाता है तब बीजेडी अस्सी सीट तक टच कर जाएगी पर तो मैं वापस से कहूंगा कि मैं इस बात पे बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी साठ सीट क्रॉस कर ले और इवन सत्तर टच कर सकती है क्रॉस कर सकती है सो so, ओवरऑल मैं वापस से कह रहा हूं कि ये इलेक्शन नवीन पटनायक वर्सेज बीजेपी का नहीं है ये इलेक्शन पांडियन जी वर्सेज भारतीय जनता पार्टी का है और ऐसी स्थिति के अंदर जो है बीजेडी जो है वो डाउन साइड पे जाती हुई दिख रही है और जब भी कोई पार्टी 20 साल से ज्यादा शासन में रहती है और डाउन साइड पे जाती है तो उसका जब डाउन साइड होता है तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डाउन साइड हो जाता है तो ये जो सर्वे वो एक ट्रेंड बता रहा है जिसमें बीजेडी डाउन साइड पे और बीजेपी अप स्विंग पे है और मैं वापस से कहूंगा ये मेरा जितना मैंने ग्राउंड पे ट्रेवल किया है मुझे लगता है लोकसभा वाइज पे बीजेपी स्वीप करेगी और असेंबली लेवल इलेक्शन के अंदर बीजेडी जितनी अपनी सीटें बचा पाए उतनी बच पाएंगी और उस बच उस बचाने के प्रोसेस के अंदर वो क्योंकि डाउनवर्ड स्विंग पे है पर्टिकुलरली मेन वोटर्स के अंदर और विमेन उसको बचा रही तो क्या वो सत्तर बीजेडी अस्सी पे रुकेगी एटी फाइव पे रुकेगी या सत्तर पे रुकेगी या सत्तर से नीचे आएगी ये देखना होगा पर बीजेपी का बेस्ट केस सिनारियो जो मेरे हिसाब से सेवेंटी क्रॉस करने का है पर एक बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी 55 सीट्स भी क्रॉस कर जाती है 60 सीट भी क्रॉस कर जाती है तो ऐसा भी हो सकता है कि आ, उस सिनेरियो के अंदर बीजेपी सरकार बना सकती है ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि अस्मिता जमीन पे एक मुद्दा रहा है अब पिछली बार बिल्कुल भी नहीं था इस बार एटलीस्ट रहा है अब दूसरी बड़ी बात यह है कि एक चीज लोग समझ रहे हैं जमीन के ऊपर कि नवीन पटनायक जी जो मैं वापस से रिट्रीट करना चाहूंगा कि वो दस साल या पंद्रह साल पर्सनली शासन के अंदर उनका रहना मुश्किल है तो ऐसी स्थिति के अंदर बीजेडी की जो नेक्स्ट ने कमांड जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है पांडियन जी है वो उनकी खुद की कोई वोट गेटिंग एबिलिटी नहीं है तो जब उनकी खुद की वोट गेटिंग एबिलिटी जो नहीं है और जमीन पे वो लोगों में इमोशन एनफ्यूज नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है उड़ीसा अस्मिता भी एक मुद्दा बनता है कई जगह पे ऐसी स्थिति के अंदर जो है जो डेवलपमेंट एक प्राइमरी मुद्दा पहले था उसमें भी गिरावट आती है लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर नवीन पटनायक नवीन बाबू ने तो दिया है परंतु क्या गारंटी पांडे जी देंगे नहीं तो सच है मोदी को वोट डाल दो सो so, uh, uh, इसी कारण भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपस्विंग के ऊपर है और ये पर्टिकुलरली जितने भी मेन वोटर है उसमें देखने को मिला है महिला वोटर के अंदर जो है थोड़ा बहुत लॉयल्टी फैक्टर अभी भी बीजेडी का बना हुआ है पर्टिकुलरली रूरल एरियाज के अंदर वो भी असेंबली के लेवल तो वही बस एक सेविंग रेस अगर वो नहीं होता तो एक तरफा इलेक्शन बीजेपी की तरफ हो सकता था सो আপন দেখিলে যে কথা কইলে সুক্ত प्रदीप भंडारी এবং সারা ওড়িশা দেখিছি যে স্টার ক্যাম্পেইনার রে এক নম্বরে থিলে নবীন Patnaik দুই নম্বরে থিলে বৈরব কার্তিকান পান্ডিয়ান কিন্তু পুরা চারোটি যাকো পর্যায়ে রে ছাইকি রহিলে পান্ডিয়ান এবং সে পুরা قبضہ করি কি রাখিলে প্রচার মঙ্গ ধরিলে কিন্তু কাভা দেখা গলে নবীন বাবু বাকি 38 জনকর কোডি দেখাই নথিলা স্টেজ উপরে কেবল বৈরব কার্তিকান পান্ডিয়ান হি পান্ডিয়ান এবং লোকଙ୍କ অসন্তোষ ক বারিলে

যে পায় তা উত্তরাধিকারী নুতি বাধ্য বাধ্যকতার কলে কি কারণ অলরেডি পান্ডিয়ান বাবু বুলেই বঙ্কি নিজ কু নীন বাবু উত্তরাধিকারী বল প্রোজেক্ট করেছেন এবং তার অনেক উদাহরণ অনেক কোটি নেতা মন্ত্রী বিধায়ক মানে মঞ্চ বাঁধু ট্রাফিক জগুটি এবং বিজেডি পুরা কবজায় অনেক পান্ডিয়ানবাবুকর ইয়ে জল জল হয়েকি দিশুছি যেহেতু ভোট মাইনস হোক যেহেতু পাণ্ডিয়ানবাবু ইভিন কিছু বিজেডি নেতা একথা কে যে আমি চাহু পাানবাবু আসি আমার প্রচার করতু এবং যেহেতু পাবু মাইনসে তা নেটিভিটি গোটে নভ ইম্প্যাক্ট পড়ু থাকে বিজু জনতা দলের ভোট উপরে সেপাশে শেষ পর্যায়ে সে আসি নবীন বাবু কহলে যে মোর নুহেস ন पांडियान ए या प्रश्न उठिला लोके ग्रहण कले कारण से तांको सक्सेसर ओडिसा लोके ग्रहण पांडियान को ग्रहण गर्ुना को लहर गोटे गएपापाइ नुह सत्ता परिवर्तन मुहा ओडिसा एवं जो कथा जन बात बात्र एग्जिट पोल संकेत सङ्केत एवं सुक्त भण्डारी क्लियर कट एक যে বিজে ডি অশী তলক খচি আছিল পাৰে বিজেপি চৰকাৰ গঢ়াৰ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କାରଣ ବିଜେପି ଅପର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯାଉଛି ତାର ଗ୍ରୋଥ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଆଗରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଭିତରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିର ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା ପାଖାପାଖି ବାରରୁ ପନ୍ଦର ପ୍ରତିଶତ ସେ ପ୍ରତିଶତ କମି ଆସିକି ତିନି ଚାରି ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଟା ବିଜେପିକୁ ବଡ଼ ଲାଭ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ବଡ଼ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ କାରଣ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ বিজু জনতা দল শহে বারু খসি যাই পারে। এবং বিজেপি তেইশ রু বড়ি কি সতরী ক্রস করে যাইপরে ইয়ে হচ্ছে জন কি বাত্র এক্জিট পোল কিন্তু অপেক্ষা রহব চারি তারিখ এক্জাট পোল जदिको आम भिड्टे भल लगा तेब आम चेल्क लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी तो नहीं